ली हूँ और मेरा चल रहा अभी अनार अनार खा गई इतने माँ नहा धो लेगी और लाइट भागी हुई है तब तक ये जो किचन में सनमाइका का काम रहता है ना वो कर देंगे कंप्लीट। जगड़े वाली माइका लगेगी किचन के ऊपर से क्योंकि वहाँ ना थोड़ा दरदरापन है, ये जैसे लकड़ी लगी हुई है तो इसमें यूँ है अच्छे से लग जाएगी, ये साफ सफाई अच्छे से हो जाया करेगी फिर दिवाली की। जो पीछे वाले वर्कर थे ना वो लगा के नहीं गए थे, मतलब काम कुछ कुछ रह ही गया था तो अब लगवा लेंगे, अब जो बचा हुआ काम है ना वो सारा करवा लेंगे। यार देखिए मैं कितनी मोटी मोटी हो रही, आई डोंट लाइक दिस मोटापन गाइज। तो मैं आ गई थी वॉक करने, आज धूप सही है, सवेरे के तो आंधी चला रखी थी और अब सही धूप निकाल दी। पूनम को मैंने कह दिया था, मैं कहा तू थोड़ा जल्द जल्द चल ले मेरे, क्योंकि तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है कि भी मैं स्पीड से चल लूँ, तो थोड़ा आराम आराम से ही टहल रही हूँ। लगभग लगभग 1 किलोमीटर तो मैं चल ली, अब वापसी की भी 1 किलोमीटर हो जाएगी तो 2 किलोमीटर हो जाएंगे दिन के, तब तक वो मुड़ लेगी। मैं कहा वो थोड़ा अपना वजन घटाने की उससे आती है, मैं कहा तू चल अच्छे से, 2 दिन वो भी नहीं आई मेरे साथ घूमने तो वो उसका साथ हो गया था। और भी कई सारी लेडीज आती हैं आपको पता ही है इधर घूमने, उनके साथ हो गई। इस खेत के गेहूं तो बिल्कुल हरे हैं, उसके थोड़े यूँ लगा लो पीले पीले से हो लिए है ना, उसकी जल्दी कटाई आ जाएगी, ये लेट कटेंगे। वो दिख रहा हो तो वो जा रही पूनम है ना सही दूर, मैं यहीं से मुड़ रही हूँ। मेरे पेट में हड़का हड़का फिर दर्द होना शुरू हो गया। उधर के खेत भी देखो, ये वाला किला बिल्कुल हरा है, उससे आगे वाला पीला है। देखो गाइस हाथ नीचे लटके लटके ना कितनी स्वेलिंग आ गई हाथों में, इतनी बुरे तरीके से पैरों में आ रखी है, शूज भी बिल्कुल यूं फटने वाले हो रहे हैं। नैनू क्या खा रहा है बेटा, क्या खा रहा है? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। हाँ आ गई थी घर वॉक करके, मैं तो बस थोड़ी सी दूर गई थी, ज्यादा दूर गई नहीं यार, मेरे छाली होना शुरू हो गई, मेरे को यूं लग रहा है बन गया काम इस बार तो शक्ल का। देखो हल्की सी ब्लैक डार्क स्पॉट, अब ये धीरे 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 फैल जाएंगे। हेलो गाइस करो सभी को, हेलो गाइस। इंतरा पोपोन निकल गया मुंह से, पोपोन। अच्छा पोपोन की क्या दे गाइस, पोपोन खा लो खिला दे। नो ओके बेबी। अभी आज दाल बनेगी राजमा की और उड़द की साथ में, दोनों मिक्स। और आज हमारे देवर साहब का जन्मदिन भी है तो उसकी फेवरेट है राजमा दाल, तो इस करके राजमा दाल उड़द और क्या पता चावल बनेंगे या रोटी, पता नहीं है तो मेरे को, बाकी देखते हैं। आ भाई तुम क्या दिन कितने टाइम तक रोए हो काम, मतलब कितना टाइम हो गया तुमने यो काम सीखे? ऐ 10-12 साल हो भी गए, कती बालक से लग गए थे बेटा, आने तो भैया को पीछे नहीं आप गिर जाओगे। नू कह बैठ जा जाके आज सूसे बेटा गिर जाओगे आप यहां से। आपे आपे उतरेगा, गोलू भैया उतार देंगे। हे राम नुका बैठ जाने जाके रुक जाओ तो मैं बताऊंगी आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सवेरे अपना व्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ, 8:30 बज गए होंगे, 8:40 हो गए हैं गाइस। तो बर्तन ऑलमोस्ट हो गए, ये तो लगना है दोनों का, और लस्सी भी छान ली आज तो मैंने,
और ये देखो पीछे बर्तन भी धो दिए हैं, बहुत सारे धो दिए हैं, बहुत सारे फिर हो जाएंगे। रायते के लिए घिया उबाल दिया, अभी रायता बनाऊंगी। और ये है लस्सी, जो दोनों अपने इस्त्री लगे हुए हैं घर में इनके लिए, क्योंकि ये चाय तो पीते नहीं अभी, तो जीरे वाली और नमक वाली लस्सी पी लेते हैं, तो वो दे दूँगी। तो भी लस्सी उनको दे दी है और मैंने तैयारी कर ली है। देखो ये जीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, और ये है थोड़ा सा हरा धनिया। अभी इसकी चटनी, इसको कूट के और इसके अंदर ये जो घिया उबली हुई है वो कूट के बनाएंगे रायता। गाइस पूरा 1.5 घंटा रसोई में लगा है, 1.5 घंटा, और अब आके मैं बैठी हूँ। नैनू को दूध दे दिया है, मेरे नैनू बेटा पी रहा है दूध। और ये देखो हाथ अलग से आपको रेड रेड दिख रहा है, ये ना मैंने चूड़ा बदल दिया, चूड़ा उतार दिया और ये रिंग वगैरह निकाल दी, बिल्कुल ना ये खून निकलने वाला सा हो गया था। और अभी लगा लो पूरे हाथ पे स्वेलिंग है, ये इतना मोटा हो रखा है, ऐसे ही साथ पे है। तो कड़े डाल लिए हैं, अभी चूड़ा उतार दिया है मैंने और रिंग्स वगैरह भी सारी उतार दी हैं, और पैरों में भी स्वेलिंग है, तो ये कड़ूली वगैरह भी उतारूंगी, फंसी पड़ी है बिल्कुल। ये देखो टखना एक जैसा हो गया है, सारे पे ये स्वेलिंग है। खा रहा है चीजी, चीजी है ये, इसको बोलते हैं चने भुगड़े, क्या बोलते हैं, गुगे नहीं भुगड़े। तो अभी मैं ले आई हूँ अपना दूध बॉर्नविटा वाला, थोड़ा ना फ्लेवर चेंज हो जाता है ना, तो टेस्टी लगता है। अभी मेरे को प्योर दूध का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये लगता है, तो मैं कहा दूध अंदर जाना चाहिए, चाहे किसी भी वे में चला जाओ। खाना पीना भी हो गया गाइस, रेस्ट भी हो गया, तो अब जा रहे हैं एक बार ऊपर, मैं और नैन ऊपर की साफ़ सफाई करने। और मेरा ना प्लान सा थोड़ा यूँ है, मैं सर में मेहंदी लगा लूँ, सफ़ेद बाल दिखाए हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या है चलना है ऊपर। हाँ। झाड़ू पोछा करवा देगा मम्मा का? हाँ। करवा देगा? हाँ। कल ना बहुत जोर का तूफान आया था, तो गंदा हाल हो रखा है बिल्कुल, कुछ रूम में ये बना देती है। कल दोपहर में मेरे पास थी तो खस्ता हालत कर रखी है जम्मा यहाँ नीचे। गाइस मैं तो कल की बात आपको क्या बताऊँ नवी की, हाय हाय देखो शर्म भी आ रही है, इतनी छिछी वाली बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ये काम ना इसने आज तक नहीं किया था, ये 2 साल की हो जाएगी अब जून में। बेड पे पोटी कर दी, पोटी करके पूरी मसल दी हाथों से, हाय छी 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 छी। देखो वैसे तो वो हर बच्चा ये काम कर ही देता है, भी उसको नहीं पता होता ये आप कहाँ हाथ मार रहे हो कहाँ नहीं, लेकिन फिर भी इसकी दादी को इतना गुस्सा है ना, मैं तो खैर ऊपर थी, उसने मेरे को बताया, मेरे को सुन सुन के गुस्सा रहा, मैं कल लगाऊँगी इसके एक चांटा। चलो गाइस तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर का करके आ रही हूँ, तो ये मेरे नैनू बेटा की हरकतें हैं। उसे कल बेड पे पोटी कर दी थी, क्यों करी बेटा, आपने बताया क्यों नहीं दादी को? सुसु सुसु की थोड़े बताते हैं, पोटी की भी बताते हैं। हाँ गंदा बच्चा, इतना मीठा बोली दादी जी पीछे। चलो गाइस ऊपर जाके मैं करके आ रही हूँ, अभी कूड़ा हो रहा बहुत ज्यादा। मत आज फेंक दी, कल तड़के मार दिया था, दिन महीना फिर उसाई कर दिया, फिर आंधी भीतर भीतर का मारा था, बाहर का कौन मारा खाल। ना आज तक चल जाए काम, दादी बेटा कूड़ा फेंक के आ रही है, अंदर चलो। क्या क्या बोलो, क्या चाहिए दूधू? दूधू ले आओ, क्या क्या आ जाऊं? चल बाय। गाइज यहाँ टाइम हो गया है 12:30 का, नहा धो के मैं आ गई थी ऊपर, नवी नीचे सो रही थी, मैं कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, और फिर मेरे को भूख सी फील हो रही थी, मैं थोड़ा जो ये गोला डाला हुआ है ये खा रही हूँ, मीठा और गोला, तो इससे भूख दब जाती है और टेस्टी भी लगता है ये काफ़ी। तो अपना दोपहर में मेरा ये चल जाता है, इससे पहले वैसे मैंने खाना भी खाया था। और ये देखो मेरे नैनू बेटा का छोटा भैया क्यूटी पाई सा,
तो भाई ये अपने वर्कर हैं, शाम का टाइम हो गया था तो मेरे रूम का दो चार चुटमुट काम थे जो यहाँ मिरर लगा हुआ था वो फिक्स नहीं कर रखे थे, तो ये फिक्स करवा लिए मैंने दीवार में ड्रिल करवा के। कई बार नैनू हाथ मार देती तो गिरने का डर रहता था। और दो हैंगर लगवाने थे गेट पे, वो लगवाए हैं जो चुटमुट काम था, क्योंकि कल इन्होंने चले जाना था सवेरे उठते ही, मैं कहा शाम को इन्होंने जो छोटा मोटा काम था घर का वो निपटा दिया। बाकी आपने देख ही लिया होगा भी घर में कितना क्या काम करवाया है।